दोस्तों, अगर आप YouTube पर कॉमिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने भुवन बाम और आशीष चंचलानी का नाम ना सुना हो। भुवन और आशीष YouTube के टॉप यूट्यूबर्स में से एक हैं और ये दोनों इस समय भारत के हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स हैं। ये दोनों ही अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन इन दोनों में से किसकी इनकम, कार्स, हाउस और नेटवर्थ ज्यादा है, ये आप जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप आशीष चंचलानी के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप भुवन बाम के फैन है तो इनके लिए नीचे कमेंट कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आशीष चंचलानी की। दोस्तों, आशीष का निक नेम है आशु और ऐश, और इनका जन्म 8 दिसंबर 1993 को उल्हासनगर महाराष्ट्र में हुआ, और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 26 साल। आशीष ने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन उल्हासनगर से ही करी है, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में करी है दाता मेघी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से। और अब बात करते हैं भुवन बाम की। भुवन का जन्म 31 जनवरी 1994 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। भुवन का शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, और इन्होंने अपने माता पिता का मन रखने के लिए कॉमर्स में बैचलर्स भी करी। दोस्तों, अगर अब इन दोनों की यूट्यूब कैरियर की बात करें तो आशीष ने 2009 से अपना कैरियर यूट्यूब से शुरू करा। आशीष ने अपने चैनल का नाम आशीष चंचलानी वाइंस रखा। वैसे तो आशीष ने अपना चैनल 2009 में ही बना डाला था, लेकिन उन्होंने अपनी पहली वीडियो 2014 में अपलोड करी, जिसका नाम था हाउ टू अनॉय पीपल हु से तू मेरे बाप को जानता है। और यहाँ से आशीष के YouTube पर सक्सेस का सफर शुरू हुआ, और उनके सब्सक्राइबर्स भी काफी बढ़ गए, और इसके बाद आशीष ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अगर भुवन के YouTube कैरियर की बात करें तो एक बार भुवन ने अपने फोन के फ्रंट कैमरा से एक फनी वीडियो बनाई और उसे YouTube पर बीबी की वाइंस नाम पर एक चैनल बनाकर अपलोड कर दिया। उस वीडियो पर कुछ खास रिस्पॉन्स तो नहीं आया, लेकिन वो रुके नहीं और लगातार उसी तरह के 4 और फनी वीडियोस अपलोड कर दिए। उनके फ्रेंड्स उनसे कहने लगे कि ये सबसे कुछ नहीं होने वाला, फालतू का काम है ये, कोई भी इसे पसंद नहीं करने वाला। लेकिन भुवन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पैशन को फॉलो करते रहे। लगातार 4 वीडियोस अपलोड करने के बाद उन्हीं में से किसी एक वीडियो को 15 लाइक्स मिले, जिससे भुवन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि कोई तो उनकी वीडियोस को पसंद कर रहा है। उसके बाद वो वीडियोस अपलोड करते रहे। एक दिन भुवन की एक वीडियो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में वायरल हो गई, जिससे उनकी पहचान बननी शुरू हो गई और लोग भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करने लगे। बस तभी से भुवन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों की इनकम के बारे में। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार भुवन एक महीने के 10 लाख रुपए कमा लेते हैं यूट्यूब से, और वहीं आशीष एक महीने के 15 लाख रुपए तक कमा लेते हैं यूट्यूब से। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आशीष 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं इंस्टाग्राम पर कोई भी चीज पोस्ट करने के, वहीं भुवन 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करने के, और ब्रांड प्रमोशंस के ये दोनों 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों की नेटवर्थ के बारे में। 2021 के अनुसार आशीष की नेटवर्थ हो चुकी है 10 करोड़ रुपए, और वहीं दूसरी ओर 2021 के अनुसार भुवन बम की नेटवर्थ हो चुकी है 15 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के हाउस के बारे में। आशीष अपनी फैमिली के साथ उल्हासनगर में रहते हैं, और ये घर इनके पिता ने खरीदा है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इनके इस घर की कीमत है 8 करोड़ रुपए, और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भुवन ने हाल ही में 7 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा था अपने माता पिता के लिए, लेकिन इनके माता पिता कोविड के कारण उन्हें छोड़कर चले गए, और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। इसके अलावा भी भुवन का एक पुराना घर है, जहां वे अक्सर अपनी पुरानी वीडियोस बनाते थे, और ये घर इनके पिता ने बनवाया था। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों की कार्स कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भुवन की कार्स कलेक्शन के बारे में। भुवन के पास एक मारुति स्विफ्ट डिजायर है जिसकी कीमत है 7 लाख रुपए। भुवन के पास एक फॉर्चुनर भी है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं आशीष की कार्स कलेक्शन के बारे में। आशीष के पास एक टोयोटा इनोवा कार है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक डीसी अवंती भी है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों की बाइक्स कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भुवन की बाइक के बारे में। भुवन के पास एक रॉयल एनफील्ड बाइक है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अब बात करते हैं आशीष की बाइक के बारे में। आशीष के पास एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बाइक है जिसकी कीमत है 1,70,000 रुपए। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स की इनकम, कार्स, हाउस और नेटवर्थ कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो किन यूट्यूबर्स पर देखना चाहते हैं आप।